हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो के अंदर मैं रिएक्ट कर रहा हूं एक इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तेरी मिट्टी में मिल जावा ट्रिब्यूट टू बाबर आजम। ये सॉन्ग के ऊपर एक बाबर आजम को ट्रिब्यूट दिया गया है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिखाया गया है। इनके लिए लिखा गया है कवर ड्राइव मास्टर, ओके बाबर आजम को क्या क्या नहीं कहा जाए, बहुत कुछ है वो। चलिए वीडियो देखते हैं, बाकी बात बाद में करेंगे। This is downfall of Bawar Azam. गिरता हुआ ग्राफ इनके करियर का। ओके यहाँ डाउन हो गए। बॉल लग गई। गार्ड भी नहीं है इनके हाथ पे। यहाँ पे पहले ही इन्होंने डक करना था, नीचे करके करते कोई बात नहीं, कोई आता है। बहुत तेज लगी है भाई, बहुत तेज बोल रही है। आमिर भी खड़े हैं, आमिर भी तेज। प्रैक्टिस यार, बाइक बहुत बढ़िया खड़ी है पीछे। कम बैक खाई नीचे गिरे, करियर पर आ जाए, फिर से वापसी करी। आरिस एंड पावर कैच, बिल्कुल बाउंड्री पे टीम, बिल्कुल क्लास मैन, अमेजिंग क्लास इज क्लास। गैप भी अच्छा दिखता है बंदा।
मैसेज बॉल को पहुंचा रहे हैं। Cracking shot, great back, Babar Azam run. Great, really great, yeah. He's a great batsman. Yes, we can call him a great batsman. Yes, he is. इनके करियर के उतार चढ़ाव इसमें बहुत ही बढ़िया ट्रिब्यूट था। एक गाना बज रहा था पीछे, तेरी मिट्टी में मर जाऊँ, तेरी मिट्टी में मिल जावा, कुछ ऐसा कर जावा। मतलब मुझे गाना सुना है लेकिन मुझे बोल याद नहीं है एग्जैक्ट वाले, बिल्कुल वो जो परफेक्ट लाइंस होती हैं जो भी, लेकिन ये गाना तेरी मिट्टी में मिल जावा, ऐसा कुछ कर जावा, केसरी वाला, तो ये गाना ज़बरदस्त था। लेकिन इस गाने पर ये जो ट्रिब्यूट दिया गया है, बाबर आजम की वीडियोस लगाई गई हैं, जो उनका डाउनफॉल था, चोट लगी उनको, नीचे गिरे, विकेट गिर रहे थे, लोग जश्न मना रहे थे, ऐसा होता है, सबके साथ होता है। लेकिन बाबर आजम ने वहाँ से अपनी कमज़ोरियों को पकड़ा, प्रैक्टिस किया, उन पर काम किया अपनी कमज़ोरियों पर, और फिर वो कमबैक कर ऐसे मकाम पर आए कि वो सेंचुरीज पता नहीं कितने रन ठोकते जा रहे हैं। एंड यस, क्लास की बात ज़रूर करूँगा, बाबर आजम के अंदर क्लास है, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है। क्लासिकल शॉट्स हम उनके देखते हैं, इतना बढ़िया अटैचमेंट है उनका बैट और बॉल के साथ, वो जब वो कनेक्ट करते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। आपको लगता है कि यस, दिस इज़ द क्रिकेट शॉट जो आप देखना चाहते हैं, जो आपको खुश करता है अंदर तक, जो आपकी रूह को खुश करता है। ऐसे शॉट्स हम बहुत कम बल्लेबाजों में देखते हैं, जो एक क्लास होता है जिनके अंदर, जिनका कनेक्शन बैट और बॉल का जो होता है वो आपको एक सुकून देने वाला होता है। ऐसे बहुत कम बैट्समैन हैं, क्योंकि आपको जब आंखें देखती हैं आपके अंदर होता था कि यार कितने प्यार से खेला है, वाह कितने तेज़, मतलब जान लगाकर खेला, लेकिन उसमें टाइमिंग थी। तो वो सारी चीज़ें एक टैलेंट के साथ आती हैं, एक कुदरती चीज़ें आती हैं, और उसको बस निखारना होता है। अगर आपके अंदर हैं भी तो उसको निखारना ज़रूरी है। ये नहीं कि आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आप ऐसे ही बैठे रहोगे, खड़े रहोगे और सब काम आपके होते रहेंगे, सब बढ़िया होंगे क्योंकि मेरे पास टैलेंट है। नहीं, टैलेंट हो या टैलेंट ना हो, मेहनत दोनों को बराबर करनी पड़ती है, एक को टैलेंट बचाने के लिए, एक को टैलेंट को बीट करने के लिए कि मुझ में टैलेंट नहीं है, मैं मेहनत से बीट करूंगा लेकिन उस मकाम तक पहुंचूंगा। गलत दोनों नहीं है, सही है अपनी जगह पर। गाइस, ये चीज़ होती है कि आपको वो मकाम दिलवाती है, वो एक लेवल दिलवाती है दुनिया की नज़रों में कि आपकी मेहनत कितनी है, आप अपनी कमज़ोरियों पर कितना काम करते हो। मैंने देखा कि कुछ जगह कमज़ोरियाँ थीं बाबर आजम की, जैसा कि वो जो बॉल छोड़ना चाह रहे थे बाउंसर, वो सही से नहीं छोड़ी उन्होंने, उन्हें पता था बाउंसर है, वो बहुत जल्दी मतलब झुकने की कोशिश की उन्होंने और बॉल लग गई। उन्होंने देखा नहीं कि उसकी हाइट कितनी है, किस जगह पर छोड़ना है, वो उन्होंने जजमेंट नहीं किया। ये शायद उस वक्त की बात होगी या जो भी था, लेकिन उन्होंने उस चीज़ पर काम किया, उसको खेलना सीखा, उसको छोड़ना भी सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप खड़े रहोगे, बॉल आ रही है उससे नहीं खेली जाएगी और लग गई आपके आकर। तो बाबर आजम की लगी बॉल, लेकिन उन्होंने सीखा, अपने इम्प्रूवमेंट किया, प्रैक्टिस किया अपनी चीज़ों को और अप्लाई किया अपने करियर में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, पसंद आया तो लाइक करके शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन या सजेशन आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।